हेलो गाइस, टुडे वी लुक एट द ब्रेकअप स्ट्रेटजी। कैट 2023 में 9 क्वेश्चन स्लॉट 1 में, 6 क्वेश्चन स्लॉट 2 में, 7 क्वेश्चन स्लॉट 3 में, सो ऑन एवरेज 7 क्वेश्चन इन एवरी स्लॉट वर बेस्ड ऑन द ब्रेकअप स्ट्रेटजी व्हिच इज नथिंग बट द बेसिक्स। कोई एडवांस लेवल, कोई कुछ नहीं। विद अलोंग विद टेबल्स पीओई एक्स की मारो, आई कैन ट्राई अराउंड 15 क्वेश्चन इन द कैट एग्जाम। 6 क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लग रहा था। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ब्रेकअप स्ट्रेटजी, क्योंकि मुझे कट ऑफ फिगर नहीं, मुझे बाबा जी एक आईम कॉल तो लेके आना ही आना है। सो इफ यू फ्रॉम द ओपन कैटेगरी, तुम्हें मैथ्स में सिर्फ 7 नंबर चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, आईएम्स का कट ऑफ। एंड इफ यू फ्रॉम द ओपन कैटेगरी, मिनिमम टारगेट ही 10 नंबर। 3 क्वेश्चन करेक्ट, चौथा क्वेश्चन करेक्ट हो गया, तुम आईएम जा रहे हो, ठीक है। इतना ईजी है, और ये सारे क्वेश्चन सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रेटजी से ही सॉल्व हो सकता है। सो आई विल गिव वन एग्जांपल टुडे। सो इन केस यू वांट टू जॉइन अवर वर्कशॉप, यू कैन कॉल अस ऑन एनी ऑफ द नंबर्स, यू कैन जॉइन अस फॉर द ऑनलाइन और द ऑफलाइन क्लासेस टू क्रैक द कैट एग्जाम। हेलो गाइस, 50 टॉपिक इन मैथ्स, सिर्फ मुझे बेसिक्स करना, कुछ नहीं करना, कोई एलओडी 2 नहीं, एलओडी 3 नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ बेसिक्स सॉल्व एग्जांपल्स। या इफ यू आर अ सीटिंग स्टूडेंट और जॉइनिंग अवर जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, ये एक एक घंटे का वीडियो है ऑन एवरी टॉपिक। देयर 50 टॉपिक, इनमें से आधे टॉपिक तुम्हें ऑलरेडी आते होंगे, आधे टॉपिक और कर लिए मेरा कैट का कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। सो अपने पास 4 शॉर्टकट है कैट को लेकर, उसमें से ब्रेकअप के नाम पे 6-7 क्वेश्चन हर साल आते आते। इन एवरी स्लॉट देर आर 6 to 7 क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन द ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब कुछ नहीं, ब्रेकअप मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड, बेसिक 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 के 3 क्वेश्चन कंबाइन करके एक भारी कैट का क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट दिस कैट का क्वेश्चन। ये कैट 2022 का क्वेश्चन है यार। एक तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स करके जाना, हर साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स का क्वेश्चन आता ही आता है, हर स्लॉट में आता है। एलेक्स ने 2 पार्ट में इन्वेस्टमेंट किया, सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट पार्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन सेकेंड पार्ट। सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट द्वारा दोनों को यूज करके आई हैव टू फाइंड देयर रेशियो, देन दोनों का परसेंटेज निकालना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आई हैव टू यूज परसेंटेज ऑल्सो, रेशियो ऑल्सो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई मैं नहीं करने वाला सॉल्व ये क्वेश्चन, बट दिस इज कैट यार। कैट में सारे क्वेश्चन ऐसे, तुम अगला क्वेश्चन देखोगे वो भी ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के 2 छोटे छोटे फॉर्मूले, फॉर्मूला मतलब एक ही फॉर्मूला अपने पास, पी इन टू आर इन टू टी बाई 100। मुझे बस ये सिखाया गया था, मुझे इतना ही आता मैथ्स का बेसिक्स, ठीक है। 2 बार ये फॉर्मूला लगेगा, रेशियो ए बाई बी का रेशियो निकालना है एंड देन परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला। ये 4 चीजें अपन को पता है, 3 चीजें इंटरेस्ट, रेशियो का बेसिक्स एंड परसेंटेजेस। आई कैन क्रैक दिस क्वेश्चन आराम से। सो एक बार ट्राई करते हैं, इज्जत से सॉल्व करना है तो एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें नीचे दिया है, एक्सप्रेशन खोल के देखते हैं एक बार। तो एक्सप्रेशन खोल के देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक अभी खत्म नहीं हुआ, और नीचे जाके यहाँ पे जाके खत्म होगा, ठीक है। इतना लंबा आंसर है, इज्जत दिखानी है तो, अगर शॉर्टकट यूज करना है तो लेट्स सी दैट नाउ, ठीक है जी। 2 पार्ट मैंने इन्वेस्ट किया, फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट मिला 15% फॉर 4 ईयर। अगर सिंपल इंटरेस्ट का, अगर आपने मेरा जी स्ट्रेटजी वीडियो देखा है तो और इजी हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रिंसिपल, लेट्स से प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट का वाज ए, प्रिंसिपल इनटू 15% इंटरेस्ट फॉर 4 साल डिवाइड बाय 100, और मुझे कुछ आता ही नहीं फॉर्मूला, एक पी इनटू आई टू डी बाय 100। सेम बी इन्वेस्ट किया 12% इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, 12% इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स डिवाइड बाय 100। अब मुझे नहीं पता इससे आंसर निकलेगा निकलेगा, बट ट्राई तो किया जा सकता है, ठीक है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ये कट गए आपस में, तो ए बाय बी का रेशियो आई कैन फाइंड आउट। फाइन 12 गया 4 पे, सो 15 का 5 पे गया, 3 कट गया, सो मेरे पास जो ये, सॉरी ये 3 पे कटा, मेरे पास जो रेशियो बचा बना है ये 3/5, ठीक है। बस रेशियो इतना ही काम था, 3/5, ओके। अब क्या करना मुझे पता नहीं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज रिक्वायर्ड सेविंग इन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का कितना परसेंटेज है। अगर रेशियो 3:5 है तो मतलब 3 तुम्हारे 5 मेरे, राइट। सो तुम्हारे कितने आएंगे, ए का कितना आएगा, 3 out of 8, टोटल कितना था, 8 पार्ट था ना, 3/8। ऑल आई हैव टू डू इज फाइंड द परसेंटेज आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, 3 out of 8, 1/8 इज 12.5%, इंटू 3 किया, आंसर 37.5%। ये कैट का क्वेश्चन है, कैट 2022 का। कैट 2023 में भी सेम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर क्वेश्चन आया, सिमिलर टाइप का, नॉट सेम ऑब्वियसली। ये क्या करना था यार, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, रेशियो का एक बेसिक कंसेप्ट एंड परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट कंबाइंड टुगेदर इज कैट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन रहते आते हैं, मैंने कहा 7 क्वेश्चन कर लिए, मेरी कट ऑफ निकल गई,
आराम से 7 क्वेश्चन भी कैट में कर लिए और 97% आई। राइट, सो इन केस यू वांट टू ज्वाइन द प्रोग्राम, हमारे पास ये 4 शॉर्टकट है, कोई मुझे हाई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू प्ले ऑन द कंसेप्ट, बिकॉज कैट में कंसेप्ट चेक होता है, कैट ने बंद कर दिए वो भारी भारी क्वेश्चन डालने, 4 बेसिक 3 बेसिक कंसेप्ट कंबाइंड टुगेदर विल फॉर्म अ टफ क्वेश्चन, दैट इज अवर ब्रेकअप स्ट्रेटेजी। ब्रेकअप शीट लगाने के लिए ऑफकोर्स मुझे बेसिक आने चाहिए, आई हैव टू गो थ्रू बेसिक ऑफ ऑल द चैप्टर, ऑल चैप्टर मतलब मैक्सिमा इनइक्वालिटी से लेकर मैक्सिमा मिनिमा, एपीजीपी सीरीज हर साल 3-3 क्वेश्चन एपीजीपी का आता है, 3-3 क्वेश्चन। लॉग का बेसिक्स, लॉग में 4 फॉर्मूले हैं, डीपेक 4 फॉर्मूले, कोई भी लॉग का क्वेश्चन लेके दिखाओ इनमें से एक फॉर्मूला बैठेगा बैठेगा, डिवाइड, पावर, एडिशन या साइकिल, चारों में से एक फॉर्म लगेगा लगेगा। ठीक है, दैट्स इनफ टू क्लियर द कट ऑफ फॉर द कैट एग्जाम। इन केस टू ज्वाइन द प्रोग्राम, ये 4 वर्कशॉप 4 दिन में खत्म करो, ये 4 वर्कशॉप तुम 10 दिन में खत्म करो, इट्स टोटली अप टू यू। ऑल द बेस्ट।